यहाँ डॉक्टर उमेरा हिल बता रही हैं पपीते की मदद से वेट को कैसे कम करें, तो क्या ख्याल है? सबसे पहले वेट कम के ऊपर चलते हैं। हाँ अच्छा जी, जैसे पपीते की बात हुई कि वेट कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, लेकिन हम जो वेट कम करने की आज टैबलेट्स बनाएंगे। अच्छा, मतलब पाउडर खाना मुश्किल होता है, कहवे पी पी के थक गए हैं, हाँ। क्या आज पी पी के बोर हो गए, तो आज हम टैबलेट्स बनाएंगे कि आप बड़े मज़े से खा सकते हैं, और बनाएंगे पपीते के बीज के साथ। अच्छा, सबसे पहले जो हमने इसमें लेना है, पपीते के जो बीज हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसकी मकदार बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और टैबलेट बनाने से पहले एक बात क्लियर कर दो, ये मर्द हजरात नहीं खा सकते। अच्छा, ये सिर्फ खवातीन के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मर्द हजरात वैसे भी मोटे ही रहे हैं। हाँ बहुत बहुत बदतमीज पतले होते हैं, हर लड़की खूबसूरत लग रही होती है। बिल्कुल, उनको मोटा कीजिए और आप खुद पतले हो जाइए। हाँ अच्छा, इसमें जो है पपीते के जो बीज है इसकी मकदार हम कम रखेंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून। हाँ ठीक, इसका पाउडर मैंने बना लिया है, हाफ टी स्पून हमने पपीते के बीज का पाउडर लिया है। पपीते के बीज जो होते हैं उसमें उसको निकाल के सुखा, बिल्कुल जो उसका जेल होता है वो उतार लें, और जो बीज अंदर से निकलता है इसको। अच्छा, उसको उतारना है या सुखा ले तो खुद ही उतर जाएगा? उतर जाएगा, बस सही उतर जाएगा। उसके बाद आपने रगड़ के उसको जो बीज है ये स्टोर कर लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है पपीते के बीज का पाउडर आपने लिया आधा चमच, इसमें आपने डाला है हड़ का पाउडर एक चमच, हड़ का पाउडर, हड़ ठीक है, काली मिर्च एक चाय का चमच, ओके, ये बहीरा है, बहीरा वन टेबल टी स्पून, ठीक है, और ये आंवला पाउडर है वन टी स्पून, ठीक है, और इसके साथ हम डालेंगे सोहांजने के पत्तों का पाउडर, सोहांजने के पत्तों का पाउडर, ठीक है, मोरिंगा। ये आपका एक मिक्सचर बन गया। अच्छा, इसको पाउडर खाना लोगों को मुश्किल लगता है, और फिर ये तो कितना खाएं क्या है, इसमें हम डालेंगे कच्चे पपीते का जो रस होता है, जैसे अच्छा। हमने पीसा उसको, हाँ। इसका पानी निकाला, हाँ। इसको हमने इसमें डाला और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मिक्स करके आप गोलियां बना लेंगे, गोलियां बना के आप इसको सुखा लेंगे, हाँ। और ये दो टेबलेट सुबह खाएं, दो दोपहर में निगल लेंगे आराम से, और वो आपको टेस्ट भी बुरा नहीं लगेगा, और आपको पता भी इन गोलियों में है क्या, वरना वो दुबले होने की गोलियां बना बना के लोग बेच रहे होते हैं और पता होता नहीं क्या क्या, क्या, क्या है। एक आंटी मुझसे कल जिम में कहने लगी, सुनो कैसे मेंटेन करती है, गोलियां मोलियां तो नहीं खाती पतले होने? नहीं भाई, मैं इतनी मोटी तो नहीं हूँ कि मैं पतले होने की गोलियां खाऊं। लेकिन आप जितना ख्याल करती हैं, खवातीन इतना ख्याल करती नहीं। करें, मैं तो कहती हूँ ख्याल करना चाहिए अपनी सेहत का। बताया, आप अगर मोटे होते तो आप लिथार्जिक हो जाते, बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते, और सब कुछ अगर आप खा भी रहे तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और आपके बाल भी अच्छे रहते हैं और फिट रहते हैं। अच्छा, और आजकल फैशन जिस तरह के आ रहे हैं, छोटी कमीजें भी हैं, लंबी कमीजें भी हैं, बेल बॉटम्स ये पैंट्स हैं, तो मोटे होते हैं ना तो सारा फैशन नहीं कर पाते। बहुत पतले नहीं होने को मैं बोल रही, लेकिन बस आपका ऐसा हो कि आप एक्टिव रहें, बिल्कुल बॉडी शेप में हो, है ना। देखिए, एक दफा की मेहनत है, ये टैबलेट आप बना के रख दी, कितने दिन चल सकती है ये? तो आपके आराम से बना के आप एयर टाइट बॉक्स में रख लें, 6 महीने के लिए भी बना के, बल्कि बेचना शुरू कर दें। कारोबार बता दिया आपको डॉक्टर उमेरा हिल ने, बेचारी जो घर में बैठी होती है क्या करना है क्या करना है, वो एक्टिंग करने के बजाय जो है ना गोलियां बना के बेच रहे हैं। कारोबार मियां को बोलती है मुझे कोई कारोबार सेट करके दो, मैं बोर हो रही हूं। ड्राई करना भी जरूरी है। हाँ, ड्राई करेंगे ना वरना फंगस आ जाता है, उसको थोड़ी देर रखेंगे ड्राई हो जाएगा, हाँ। और खुला रख दे, एक दिन में ड्राई हो जाएगा ये, ठीक है, या ओवन में रख दे, अवन, ठीक है, अवन में रख देंगे, घर धूप नहीं आती है, अपार्टमेंट में रहता है कोई ऐसी जगह जहाँ नहीं है, और बड़े मजे से अवन में आपको बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अच्छा, वेट कितना कम हो गया, लालच तो हमें ये है। देखिए, इसमें जो पपीते के बीज और काली मिर्च है ये बहुत तेजी के साथ फैट को काटता है। अच्छा, वो फैट जो किसी तरह से आपका कम नहीं हो रहा, तो काली मिर्च और पपीते का जो कॉम्बिनेशन है पपाया सीड का, ये फैट को काटता है, और जो बाकी चीजें हैं ये हड़ बहीरा आंवला और मोरिंगा, ये वजन को बढ़ने नहीं देते। अगर आप ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अगर खाना खा भी रहे तो वो फौरी तौर पे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा और डिटॉक्स करेगा, और आपकी बॉडी स्लिम और ट्रिम रहेगी। ओके, जबरदस्त जबरदस्त भाई, ये हम आपको रिपीट करके बताते हैं कि इसमें हमने क्या क्या डाला है। इसमें हमने डाली है आंवला, इसमें हमने डाला है बहीड़ा, हड़ डाला है, काली मिर्च डाली है, पपीते के बीज जो पपीता है उसके सुखा के हमने जो बीज हैं उसको सुखा के फिर पीस के वो डाले हैं, साथ ये हरा हरा क्या था, मोरिंगा। अच्छा, उर्दू में मोरिंगा पत्तों का पाउडर, कच्चे पपीते का पानी, बस ये चीज है। और उसके बाद हमने इसको गोलियां बना के सुखा के और हमने शीशी में पैक करके रख लिया, 6 महीने तक है आराम से एक्सपायरी।
और दो गोली सुबह, दो दोपहर, दो शाम को खाने के बाद, छह गोलियां यानी दिन में खाने, छह गोली ऐसे खाने से पहले, खाने के बाद खाएंगे सुबह दोपहर शाम। पेट पेट तो नहीं खराब होगा? कुछ नहीं होगा, इसमें कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कि पेट खराब करे। सिर्फ आपको लगेगा कि आप बहुत मतलब एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको कमजोरी नहीं होगी, आपके इंचेस कम होना शुरू हो जाएंगे, और जो जो ज्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है उसको ये बैलेंस करना शुरू कर, जैसे कि हर भेड़ा, आंवला, मोरिंगा, ये तमाम चीजें अभी से बना के रख लें बकरा ईद पे जी। हर छोटी ईद पे अपना वजन सब घटाए हुए होते हैं रोजों की वजह से, और बकरा ईद पे एक तोंद यहाँ निकली होती है, एक तोंद यहाँ निकली होती है, वो सब आपको बकरे शकरे गाय बैल सब आपको नजर आ रही होती है। बल वो इसलिए कि एकदम जो शौक उजागर हो जाता है ना खाने का, वो चलता है कोई दो हफ्ते तक तो ये शौक चलता है, और उसके बाद फिर पूरे महीना डेढ़ महीना लग जाता है आपको वजन कम करने में। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये अभी से खाना शुरू कर दें, बना के बल्कि इसको डाइनिंग टेबल पे रख लें, खाने के साथ खाएं, रान खाएं, मुर्गन गिजाएं खाएं, सात टैबलेट खाएं, बकरे दुम्बे और सात टैबलेट खा लें जी।